तो आ तरफ भावनगर में अनुभव आयो आंचको। रात्रे 9.52 रात्रे 9:52 3.2 की तीव्रता आंचको अनुभव आयो। भूकंप ईपी सेंटर सिंहो पंथक में होवा। जूनागढ़ कोरासा ग्राम पंचायत सभ्यों कर केसरिया। सांसद राजेश चुडासमा, दिलीपसिंह सिसोदिया सहित आगे तमाम ने खेस पहरावी आवकार्या। दिल्ली में छतरपुर मंदिर में नवरात्रि बीजा दिवसे माताजी की कराई आरती। चैत्री नवरात्रि त्यौहार ने लेने मंदिर में भक्तों की भीड़। वहली सवारे भक्तों माताजी की पूजा अर्चना की। मध्यप्रदेश में आवेला पीतांबरा पीठ मंदिर ने करायो शणगार। नवरात्रि पावन पर्व ने लेने मंदिर रंगबेरंगी रोशनी जगमगी उठ्यू। मोटी संख्या में भक्तों दर्शन करने पहुंची रहा है पीतांबरा पीठ मंदिर। मध्यप्रदेश रायसेन हांसांची पुलिस स्टेशन विस्तार में भारे पवन फूंकाता हाईवे पर बैनर रोड पर पड़ू। बैनर साथ कार अथड़ाता रस्ता पर ट्राफिक जाम दृश्य सर्जाया। सदनसीबे मोटी दुर्घटना अटड़ी। बिहार बघा में पुलिस रिक्शा में गैरकायदे दारू जत्था साथ रिक्शा चालक की करी अटकार। पुलिस बातमी आधार रेड करता 109 लीटर विदेशी दारू जत्थो झड़पायो। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे 53 पर डीजल भरेला टैंकर की टांकी फाड़ता चारे तरफ फैलायो डीजल। टैंकर में डीजल निकलता रस्ता पर वाहन चालक परेशान थे। सदनसीबे घटना में कोई जानहानि नहीं। छत्तीसगढ़ सुजरपुर कैलाशपुर गाम में रीच कूवा में पड़ू। 6 कलाक की जहमत बाद रीच ने कूवा में करायो रेस्क्यू। घटनास्थल पर ग्रामजनों टोड़े टोड़ा उमटिया। कमोसमी वरसाद और गर्मी की आगाही वे खेडों राहत समाचार। खानगी हवान एजेंसी स्कायमेटे चौमासु सारू रहे आगाही। एजेंसीए चौमा की सीजन 102% रह आगाही। चौमा की शुरूआत माल की असर देखाई शे। दक्षिण देश दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में सारो वरसद की आगाही कराई। एट कि पश्चिम तटे आ गुजरात में सारा वरसद कराई आगाही। गुजरात में आखरी गर्मी वच्चे वरसाद की आगाही। 13-15 एप्रिल सुधी गुजरात में हलवो वरसाद रही सके। 13 एप्रिले वलसाड नवसारी सूरत गीर सोमनाथ में वरसाद की कराई आगाही। 14-15 एप्रिले छोटाउदेपुर दाहोद नर्मदा गीर सोमनाथ में वरसाद की आगाही। कच्छ जिला रहीशों अलर्ट। आगामी 3 दिवस काड़झाड़। गर्मी रहीशों तैयार। 3 दिवस कच्छ में हीटवेव की आगाही कर। गुजरात कांठा में उगमड़ता भेर उकड़ाट भर वातावरण रही सके। उनाळानी शुरुआत में अमदावाद में वक्र रोगचाळो। एप्रिल मासना प्रथम सप्ताह में चाळा उल्टीना 321 केस नोंधाया। कमळाना 46, टाइफोनना 68 केस नोंधाया। सीजनेबल फ्लूना 49 और कॉलेराना 3 केस सामे आव्या। आरोग्य तंत्र अलर्ट थयुं। अमदावाद में सीजनल फ्लूए माथुं उचकता लोग परेशान थया। एप्रिल महीना में सीजनल फ्लूना 49 केस नोंधाया। कॉलेराना केस पण सामे आवता आरोग्य विभाग अलर्ट थयुं। अमदावाद में गर्मी पारो 40 डिग्री पहुंचवा आव्यो छे। त्यारे काळझाळ गर्मी थी राहत आपवा सामाजिक संस्थाओ आगळ आवी छे। शहर ना अनेक विस्तारों में पारो वधता निःशुल्क छाश केन्द्र शुरू कराया। मोटी संख्या में लोगोनी भीड़ छाश केन्द्र पर जोवा मळी। घऊनी सीजन शुरू थता आणंदना तारापुर एपीएमसी में खेडूतो घऊनी हराजी करवा माटे पहोंच्या। साथे हराजी माटे आवेला खेडूतोए घऊना भाव ओछा मळी रह्या होवानो कर्यो आक्षेप। वेपारीओना मते आ वर्षे घऊनी सीजन नबळी छे। त्यारे प्रख्यात भालिया घऊना भाव पण ओछा मळी रह्या छे। बनासकांठामां टेकाना भावे रायडानी खरीदी सेंटर पर लागी ट्रेक्टर्सनी लांबी लाइन। 300 वधारे खेडूतो ट्रेक्टर लई पहोंच्या खरीद सेंटर। गुच कोमासोले 1130 रूपयाना भावे रायडानी खरीदीनी करी हती जाहेरात। धानेरा तालुका संघ खाते रायडानो सारो भाव मळता खेडूतो खुशखुशाल। धानेरा तालुकामां 10,000 થી પણ વધારે ખેડૂતોએ ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે કરાવ્યું રજીસ્ટ્રેશન। ખુલ્લા માર્કેટ કરતા સારા ભાવ મળતા ખરીદી કેન્દ્ર પર ઉમટ્યા ખેડૂતો। કચ્છમાં તમામ કેન્દ્રો પર રાયડાની ખરીદી શરૂ કરવા માંગ। ખેડૂતોએ કલેક્ટરને પાઠવ્યું આવેદનપત્ર। ખરીદીમાં પારદર્શકતા લાવવા માટે કરાઈ રજૂઆત। કહ્યું નર્મદાના કામોને લઈને ગાઈડલાઈન થવી જોઈએ જાહેર। જમીન સંપાદનને લઈને પણ કરાઈ રજૂઆત। ઉનાળાની શરૂઆતે ભાવનગર જિલ્લાના 7 જળાશયોના તળિયા દેખાયા। રજાવડ, લાખણકા, હમીરપરા, હણોલ સહિતના ડેમોમાં પાણીનો જથ્થો ખાલી થયો। ખેતી અને પીવાના પાણીને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ। કાતરા ભાવનગર મનપાના અધિકારીઓએ પર્યાપ્ત પાણીનો જથ્થો હોવાનું જણાવ્યું। આગામી ચોમાસા સુધી પાણીની ઘટ નહીં પડે તેવા અધિકારીઓએ કર્યો દાવો।
डभोद तालुका वनैया गाम में पानी की पारायण शुरू थई। पीवा वलखा मारता स्थानिको ने भारे हालाकी। गाम की महिलाओं जीवना जोखमे ढाढ़र नदी में पानी लावा मजबूर बनी। कच्छना जलाशयों तड़िया देखाता भूज में पानी की समस्या। नर्मदा लाइन में भंगाण सर्जाता अनेक विस्तारों में टैंकर राज पानी वलखा मारता स्थानिकोए पालिका सामे मोर्चो मांड्यो। नगरपालिका सत्ताधीशों सामे महिलाओं बनी रणचंडी। भावनगर में अनुभवायो आंचको। रात्रे 9:52 3.2 की तीव्रता आंचको अनुभवायो। भूकंपनुं एपिसेंटर सिंहर पंथक में होवानुं अनुमान। वडोदरा में गोवर्धन झड़फिया कहूं कि आगामी दिवसों में भाजप मोदी परिवार सभा योजना। सी आर पाटिले पेज समिति सभ्यों ने कहूं कि 150 पेज समिति सभ्यों सवार सांज 2 कलाक में बधा संपर्क करने। चूंटणी प्रचार में पीएम मोदी आया मैदाने। चेन्नई में पीएम मोदी कर भव्य रोड शो। पुष्प वर्षा करायो भव्य स्वागत। पीएम मोदी की एक झलक जुआ विशाल जनमेदनी उठी। तमिलनाडु भाजप अध्यक्ष के अन्नामलाई साथ दक्षिण चेन्नई उम्मीदवार तिमिल साई सौदर राजन साथ पीएमए कर्यो चूंटणी प्रचार। रोड शो में फूलों की वर्षा, शास्त्रीय नृत्य और नांगस्वरम गूंज। पौराणिक पात्रों की वेशभूषा में लोग जोवा मळ्या। चेन्नई में पीएम मोदी रोड शो ब्लॉकबस्टर रह्यो। जयरे भाजपा कार्यक्रमों पार्टी झंडा साथ रोड शो में जोवा मळ्या। के अन्नामलाईए पीएम मोदी रोड शो ने ऐतिहासिक गणावता कहूं कि आ रोड शो द्वारा तमिलनाडु मूड एकदम स्पष्ट है। राजकोट में परषोत्तम रूपाला ने परेश धानाणी सामसामे मैदान उतरी शके। भाजप सामे लड़वा माटे कांग्रेसे परेश धानाणी ने मनाव्या। ललित कगथरा सहित कांग्रेस नेताओं अमरेली जई परेश धानाणी ने चूंटणी लड़वा माटे मनाव्या। परेश धानाणीए कटाक्षवाड़ो ट्वीट कर चूंटणी लड़वा की तैयारी दर्शाई। राजकोट लोकसभा बैठक में चूंटणी जंग आ वक्त चर्चा बाद परषोत्तम रूपाला विरोध थाद हवे कांग्रेसे कमर कसी है। 22 वर्ष पहला 2002 में परेश धानाणीए परषोत्तम रूपाला सामे जीत मेळवी हती। 22 वर्ष बाद रूपाला ने धानाणी राजकोट बैठक पर सामसामे आवी शके। राजकोट बैठक ने लईने कांग्रेस आगेवानो धानाणी घरे पहोंच्या हता। परेश धानाणी ने मनावाना कांग्रेस प्रयास हाथ धराया। कांग्रेस आगेवानोए परेश धानाणी ने राजकोट थी लड़वा माटे आग्रह कर्यो। राजकोट थी रूपाला सामे धानाणी ने उतारवाना ललित कगथरा रोचक तर्क। कहूं कि जो रूपाला लड़े तो धानाणीए लड़वानुं, जो रूपाला न लड़े तो धानाणीए न लड़वू। रूपाला विवाद नो लाभ लेवाथी कांग्रेस उभी थाय तेम छे। परेश धानाणी चूंटणी लड़वा पर बोलिया भरत बोगरा। कहूं कि राजकोट में कोई टक्कर जेवुं नथी, राजकोट पाछळनो गढ़ छे। अमारी आखी टीम चूंटणी लड़वा तैयार छे। जनता कांग्रेस नो भ्रष्टाचार ओळखी गई छे। कांग्रेस नुं कोई ज संगठन नथी। धनसुख भंडेरू नु परेश धानाणी पर निवेदन। कहूं कि कांग्रेस ना उम्मीदवार कोण छे तेनाथी अमने मतलब नथी, अमे रण मैदान में छीए। राजकोट बैठक पर 5 लाख की वधु लीड थी जीतनो कर्यो दावो। भाजपा सौराष्ट्र झोनना प्रवक्ता राजू ध्रुवे परेश धानाणी पर आप्यु निवेदन। भाजपनु 1.5 महीना कार्यालय खुली गयु छे अने कांग्रेस में हजु उम्मीदवार नेठा नथी। कांग्रेस हार फाड़ी गई छे एटले तेना नेताओ राजनीति करे छे। साथ भाजप 5 लाख की वधु मत जीतशे नो विश्वास व्यक्त कर्यो। वडोदरा में कार्यकर्ताओं साथेनी बैठक में शक्तिसिंह गोहिलनुं मोटुं निवेदन। कहूं कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारी करवानी घणाने इच्छा छे। मधु श्रीवास्तव मने मळ्या हता। रूपाला चूंटणी लड़शे तो धानाणी पण मैदाने उतरशे। भाजप साथे छेड़ो फाड़नार दबंग नेता प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने मळ्या। मधु श्रीवास्तवे कहूं कि वागोड़िया बैठक पर हूं पेटा चूंटणी लड़वानो ज छूं। शक्तिसिंह गोहिल मारा मित्र छे, हूं चा पीवा आव्यो हतो। टिकिट मारा खिस्सा में छे, भाजप सिवाय कोई पण पक्ष में लड़ी छे। करणी सेना अध्यक्ष राज शेखावत ने एयरपोर्ट थी नजर कैद कराया। राज शेखावते कमलम खाते घेराव करवानो कर्यो हतो। आवाहन पुलिसकर्मी थी पाघड़ी निकली जता अपमान थयानुं कही करणी सेना कार्यक्रमों में रोष भड़की उठ्यो। क्षत्रियोए पुलिस विरुद्ध लगाव्या नारा। क्षत्रियों विरोध वच्चे भाजप प्रदेश कार्यालय कमलम पुलिस छावणी में फेरवायू। कमलम और गांधीनगर ने जोड़ता तमाम रस्ता पर पुलिस गोठवाई। राज शेखावत ने कमलम घेराव करने चीमकी ने लैने तंत्र दौड़त। राजकोट राजवी माधनता सिंह जाडेजाए रूपाला विवाद पर आप्यु मोटू निवेदन। कहूं क्षत्रिय समाज ने भाजप वती बैठक की समस्या सुखद अंद आवशे। माधनता सिंह सम्मेलन में आपी हाजरी। रूपाला ने टिकट रद्द मामले मौन से।
भरूच लोकसभा बैठक पर चूंटणी में चौथा पक्ष की एंट्री। भारत आदिवासी पार्टी उम्मीदवार तरीके दिलीप भाई वसावा भरूच बैठक पर चूंटणी लड़े। छोटू वसावा ना पुत्र दिलीप वसावा लड़े चूंटणी। छोटू वसावाए ट्वीट करी जाहरात। चूंटणी की तड़ावार तैयारी वच्चे कांग्रेस गुजरात की चार बैठकों ने लेने जाहरात बाकी। राजकोट, अमदावाद, पूर्व महसाणा और नवसारी बैठक पर कांग्रेस उम्मीदवार की जाहरात बाकी। नाती गणित ने लैने कोकड़ू गुंजवायु होवानी अटकळो बाकी। नवसारी में पाटिल सामे अहमद पटेल की पुत्री मुमताज पटेल नाम की अटकड़ो तो अमदावाद पूर्व में रोहन गुप्ता बाद हिम्मतसिंह उतारी शके चूंटणी जंग में। महसाणा में उम्मीदवार ने लैने हवडळ होवानी अटकळो। तो आ तरफ बारडोली बैठक भाजप उम्मीदवार प्रभु वसावाए खरवन शक्ति केन्द्र में प्रचार कर्यो। नवरात्रि ने प्रथम नोरते मीनड़ी माता ना दर्शन कर आशीर्वाद लीधा। प्रचार में धारासभ्य सहित मोटी संख्या में कार्यक्रमों जोड़ाया। खेड़ा ने पंचमहाल भाजप उम्मीदवार पहुंचा डाकोर। खेड़ा उम्मीदवार देवसिंह चौहान और पंचमहाल उम्मीदवार राजपाल सिंह रणछोड़राई चरणों में शीश झुकाव्यु। भव्य जीत मे करी प्रार्थना। डाकोर में भाजपा बने उम्मीदवारों ढोल नगारा साथ करायु भव्य स्वागत। बने उम्मीदवारों मंदिर पर ध्वजा पण चढ़ावी। बने उम्मीदवारों जंगी लीड थी जीतनो विश्वास व्यक्त कर्यो। वडोदरा भाजपा घीनाठामा घी ठर्यु। लांबा समय थी गायब रंजनबेन भट्ट प्रचार में जोड़ाया। रंजनबेन भट्टे हेमंत जोशी माटे कर्यो चूंटणी प्रचार। बाइक रेली में भाजप कार्यकरों वधारे उत्साह। बनासकांठा भाजपा उम्मीदवार रेखाबेन चौधरी 16 एप्रिले फॉर्म भरशे। पालनपुर में रोड शो योजी भरशे फॉर्म। धनेरा थावर गाम में सभा में करी जाहरात। फॉर्म भरवा दिवस की मोटी संख्या में हाजर रहवा माटे करी अपील। लोकसभा की चूंटणी ने लेने कांग्रेस जनसंवाद कार्यक्रम दौर शुरू कर्यो। दाहोद विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रभाबेन तावियाड़ की हाजरी में जनसंवाद कार्यक्रम योजायो। मोटी संख्या में आप कांग्रेस कार्यक्रमों में हाजर रहा। गुजरात कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक आवश्यक गुजरात। आवतीकाले 11 वागे मुकुल वासनिक लोकसभा चूंटणी ने लेने करशे बैठक। चार बैठकों कोकड़ू उकेलवा कराशे प्रयास। विधानसभा पेटा चूंटणी नाम पर चर्चा कराशे। बनासकांठा गढ़ गाम में सभा में ज्ञानीबेन ठाकुरे भाजप पर कर्या प्रहार। कहूं एक बाजु जनशक्ति है बीजी बाजु धन शक्ति। साथ ही 5 लाख की वधु लीड थी जीतनो विश्वास डगमगी गयो होवाथी गतकड़ा करता होवानो आक्षेप कर्यो। बनासकांठा राज्यपाल आचार्य देवव्रत नो वीडियो वायरल थयो। राज्यपाले सनादर बनास डेरी की मुलाकात दरमियान हाथ में करताल लई अने भजन कीर्तन कर्या। राज्यपाल आचार्य देवव्रत नो भजन कीर्तन करतो वीडियो थयो वायरल। कांग्रेस कार्यक्रम में विमल चुडासमा गैरहाजर। हीरा झूठवा विमल चुडासमा पर निवेदन। कहूं कि विमल चुडासमा कांग्रेस काम में लागी गया है। कांग्रेस में कोई कड़ाट नहीं। जूनागढ़ कांग्रेस उम्मीदवार हीरा झूठवाए खोलू पीड़ा कुर्ता रहस्य। भगवान कृष्ण ने पीड़ो रंग प्रिय होने कारण पहरे छे पीड़ा कपड़ा। तेमणे कहूं कि आजीवन पीड़ो कुर्तो ज पहेरशे। लग्न प्रसंग में चूंटणी रंग जोवा मळ्यो। लग्न प्रसंग में भाजपा उम्मीदवार धवल पटेल नामे गीत वाग्यु। एक ज चाले धवल भाई ज चाले ना गीत पर लोग झूमी उठ्या। लग्न प्रसंग में वीडियो वायरल थयो। आणंद उमरेट में रखता ढोर आतंक। खारवाड़ी विस्तार में बे आखला तोफाने चढ़िया। 15 मिनिट सुधी चालेला आखलाओं युद्ध थी राहदारी ने वाहन चालकों जीव ताड़ो चढ़िया। छोटाउदेपुर मांचरोल की सीम में गैरकायदेसर रीते माटी खनन कराया आक्षेप। नियमों विरुद्ध वृष्टि पची स्फोट। खाड़ा खोदता ग्रामजनों में रोष जोवा मळ्यो। माटी खनन ना कारणे खेडूतों ने नुकसान थता करायो विरोध। अमदावाद में भाजप की सोशियल मीडिया मीट योजाई। लोकसभा चूंटणी प्रचार में भाजप की सोशियल मीडिया कार्यकर्ताओं साथ बैठक थी। दीनदयाल हॉल खाते योजाएल मीट में मुख्यमंत्री और सीआर पाटिल मोदी परिवार सूत्र ने घर घर सुधी लई जवानो कर्यो प्रयास। बनासकांठा थराद में मुख्यमंत्री करी बंध बारणे बैठक। भाजपा कार्यकरो धारासभ्य और व्यापारी बैठक में हाजर रहा। मोदी सरकार की गेरंटी वधु में वधु मतदाताओं सुधी पहुंचे अपायु मार्गदर्शन। व्यापारी और सामाजिक अग्रणीओ साथ सीए ने कर्यो सीधो संवाद। चूंटणी खर्च ओछो देखाय भाजपे घड़ी नवी रणनीति। चूंटणी फॉर्म भरती वक्त रोड शो खर्च उम्मीदवार माथे आता एक दिवस पहला ज रोड शो करते भाजप उम्मीदवार। आवतीकाले योजाशे भाजपनी महत्वनी बैठक। सीआर पाटिल 18 एप्रिले फॉर्म भरशे। सीआर पाटिल नवसारी चिखली में बूथ सम्मेलन दरमियान करी जाहरात। बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने आप्यू मार्गदर्शन।
પોરબંદર બેઠકના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર લલિત વસોયા 16 એપ્રિલે ઉમેદવારી પત્ર ભરશે તો રાજીવ પ્લેટા વિસ્તારના કોંગ્રેસ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભરશે. પોરબંદર બેઠક પર ભાજપના મનસુખ માંડવિયા અને કોંગ્રેસના લલિત વસોયા વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામશે. દ્વારકાના ભાટિયામાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનના કાર્યકર્તાઓનું સંમેલન યોજાયું. ગઠબંધનના ઉમેદવાર જેપી માર્વિયા સહિત કોંગ્રેસ નેતા વિક્રમ માંડવ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. વિક્રમ માંડવે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કરી જીતનો દાવો કર્યો. સુરેન્દ્રનગરમાં રખડતા ઢોરનો આતંક યથાવત. કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં રસ્તા વચ્ચે આકલાઓ વાકરતા હોય તેવો વિડીયો સામે આવ્યો. ઢોરના આતંકને લઈને રાહદારીઓમાં ભયનો માહોલ છવાયો. રખડતા ઢોરને લઈને સ્થાનિકોમાં તંત્ર સામે રોષ જોવા મળ્યો. દ્વારકામાં એક દિવસમાં બે લોકો પર હડકાયા શ્વાનનો હુમલો. 23 વર્ષીય યુવક અને 13 વર્ષીય કિશોર પર શ્વાને હુમલો કર્યો. ઘાયલોને સારવાર માટે ખસેડાયા. શ્વાનના આતંકને લઈને સ્થાનિકોમાં રોષ છવાયો. ભરૂચના એક શિક્ષકને ફરજ મુક્ત કરાયા બાદ ગ્રામજનો વિરોધ નોંધાવ્યો. આદિવાસી અગ્રણીઓએ આવેદન આપી શિક્ષકને ફરજ પર લેવા માટે માંગ કરી. શિક્ષકે પાણીના પ્રશ્નને લઈને વિડીયો બનાવતા ફરજ મુક્ત કરાયા હોવાનો છે આરોપ. કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ સાત દીકરીઓના આપેલ નિવેદન પર મોરબી પોલીસે કર્યો ખુલાસો. ડીવાયએસપીએ પત્રકાર પરિષદ દિવસે માહિતી આપી કે મોરબીમાં આવો કોઈ બનાવ બન્યો જ નથી. આ નિવેદનને લઈને ડીવાયએસપીએ આવી અફવાઓમાં ન ફસાવવા માટે જનતાને કરી અપીલ.